साड़ी में आग लगने से झुलसी गर्भवती महिला, पति के साथ आई थी मायके, आग तापते समय हुआ हादसा। शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र के लुधावली में घर के कमरे में आग से ताप रही एक 19 वर्षीय गर्भवती महिला की साड़ी आग की चपेट में आने से महिला झुलस गई है। गर्भवती महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक 19 साल की रानू आदिवासी अपने पति शंकर आदिवासी के साथ अपने मायके आई हुई थी। आज शुक्रवार की सुबह 8 बजे के लगभग अपने घर के कमरे में बैठकर आग से ताप रही थी। इस दौरान रानू की साड़ी के पल्लू में आग लग गई। मौके पर मौजूद परिजनों ने जैसे तैसे महिला की साड़ी में भड़की आग को बुझाया। इसके बाद महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ महिला की हालत स्थिर बनी हुई है। कहाँ के रहने वाले? निराली। कैसे जल गई जी बिटिया? चूल्हे पे खाना बना रहे थे, ताप रहे थे हम सब लोग। जे अंदर ताप रहे थे, हम बाहर ताप रहे थे। तो जी क्या आपकी बेटी है? नहीं, भतीजी है। भतीजी, क्या नाम है? रानू है उसका। कितनी उम्र होगी उसकी? उम्र कितनी? 18 से ऊपर है। शादीशुदा है? हाँ, बेटा बच्चा है। अच्छा, तो ये ताप रही थी, तुम मायके में ही थी? हाँ, हमारे घर में ही है। अच्छा, चूल्हे पे ताप रही थी? चूल्हे पे ताप रही थी। फिर आग कैसे लगती? एकदम उठी थी तो पल्लू चला गया उसमें, वो पल्लू से भीग गए। और कोई इनके पिताजी के नाम बलराम।